स्थान दे उत्ते पंजाब दे कोने कोने चो भगत सिंह होरां दे जद्दी पिंड उन्हां दे दर्शन करन आए हो और सौं चुक समागम दे विच तुसीं शामिल होए हो। मैं तुहाडा बहुत बहुत तहि दिल तों धन्नवाद करदा। मेरे खब्बे पासे दिल्ली दी साडे सारे मंत्री साहिबान ते मेरे सज्जे पासे ओह कन्न में बैठे ने जिन्हां ने बहुत वड्डियां जित्तां प्राप्त कीतियां। एक बारी ताड़ियां नाल स्वागत किया जाए। वीरो इत्थे आउण दी एक खास वजह है। पहला सौं चुक समागम महलां च क्रिकेट स्टेडियम च जां राजभवन च हुंदे सी। हुण इह सौं चुक समागम शहीदां दे पिंडां च आए ने, क्योंकि जिन्हां ने आपां नूं मुल्क लैके दित्ता है उन्हां नूं याद तां करिए। कल्ला 23 मार्च जां 28 सितंबर नूं थोड़ी याद करना, उह तां साडे दिल च बसदे आ। भगत सिंह होरी दा मत्था टेक के सकून मिलिया मेरे लिए खटखट कला कोई नवा नहीं। मैं बहुत बार इत्थे आउंदा रहना। भगत सिंह होरां ने सुपने लए सी जिहड़ी आजादी दे, उह आजादी आम घरां तक पहुंचाउण दी लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तुसीं साथ दित्ता है, कई जन्म लैने पैणगे तुहाडे इस प्यार दा कर्जा उतारन लई। जिन्ना प्यार तुसीं दित्ता है किसी ने सोचा नहीं सी कि ऐं भी हो सकता है। मैं अज किसी दी निंदिया चुगली नहीं करनी, मैं तुहानू भी एक दो गल्लां कहणियां ने। हंकार नहीं करना, यह नहीं किसी घर मूहरे जाके ललकारा नहीं मारना कि असी जित गए हो गया वो हो गया, कोई गल नहीं। जिन्हां ने आपां नूं वोटां नहीं भी पाईआं आपां उन्हां दे भी मुख्यमंत्री हाँ, आपां उन्हां दी भी सरकार है, कोई गल नहीं। डेमोक्रेसी है, हरेक नूं हक है। सुकत दे कोई इस तरह की खबर ना आवे कि देखो जी ये हंकार कर गए, नहीं। हंकार का सिर नीवा हुंदा है, क्योंकि वक्त बहुत वड्डी चीज़ है, पब्लिक भी बहुत वड्डी चीज़ है। पब्लिक जदों चाहे बंदा अरश ते, पब्लिक जदों चाहे बंदा फर्श ते। शहीद आजम भगत सिंह होरां ने सोचा सी, उन्हां नूं ये बिल्कुल फिक्र नहीं सी कि देश आजाद किवें होगा। उन्हां नूं फिक्र इस गल का सीगा आजादी तो बाद देश किहड़े हत्थां जाऊगा, और उन्हां दा डर जिहड़ा फिक्र जिहड़ा सही भी साबित होया। जिन्हां हत्थां च आया 70 साल तो कुछ नहीं होया। असीं तां बाहर नूं भज्जी जांदे आ, असीं तां वीजे लवा लवा के उन्हां कोल जाई जांदे जिन्हां नूं कढ़न लई शहीद आजम भगत सिंह वर्गे हजारां योधे जिहड़े ने उन्होंने फांसी दे रस्से चूमे। सो आपां इत्थे ही रहना है, आपां इत्थे रह के अपना मुल्क ही ठीक करांगे, आपां अपना मुल्क ठीक करांगे। नहीं बगाने तरां ते आपां ने धक्के खाने उत्थों, फिर इधर नूं लियाउण वास्ते तड़फी जांदे रहिंदे आ। कोई कहिंदा लाश ही मंगा दो जी। सो वीरो थोड़े नाल दे आ, थोड़े वर्गे आ, ऐं रहांगे और काम करांगे। बेरोजगारी तो लैके खेती, व्यापार, करप्शन, स्कूल, हस्पताल, बहुत ताणी उलझी पई है। रेह की बोरी होंदी है जिहड़ी, जे उन्हूं उठे पासिओं खोलण लग जाओ तां अद्धा दिन लग जांदा है। जे किते उहदा इक सिरा लभ जे इधरले पासिओं वह अद्धे सेकेंड च खुल जाती है। आपां इस उलझी हुई ताणी का सिरा लभांगे, सही वाला सिरा, सिरा तुहाडे सहयोग नाल। शहीद आजम भगत सिंह का एक शेर, वह कहिंदे इश्क करना सबका पैदायशी हक है, इश्क करना सबका पैदायशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सर जमी को महबूब बना लिया जाए। देश की मिट्टी नूं प्यार करो, बहुत कर्म वाली मिट्टी है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है। धरती नूं मां दा दर्जा गुरु नानक साहब ने, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। मैं भगवंत मान, मैं भगवंत मान ईश्वर की सहु चुकता हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज दे मुख्यमंत्री वजों मेरे विचारधीन लिया जाएगा ज मैनू ज्ञात होगा वह किसी व्यक्ति ज व्यक्तियों सवाए उसके कि अजिहे मुख्यमंत्री वजों अपने करतबों के ठीक निभाने अजिहा करना लोड़ीदा हो, मैं सीधे ज असिधे तौर पर ना दसागा ना प्रगट करा। इनकलाब जिंदाबाद।
मैं मानयोग राजपाल जी नूं सहुं चुक समागम समाप्त करन दी प्रवानगी देण लई बेनती करदा हां। मैं समूह मेहमानां नूं राष्ट्रीय गान लई खड़े होण लई बेनती करदा हां। मैं सहुं चुकाउण दा समागम समाप्त करन दा ऐलान करदा हां।